चलो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखना, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैमरा चालू करना हनीषा, कैमरा चालू करो। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल है इसमें जरा लिखना, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन को लिखते कैसे है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई माइनस के साथ, ओके। फिर जस्ट इसके ऊपर जस्ट एक हेडिंग डाल के रखो, जस्ट इसके ऊपर हेडिंग डालना, एक साइड पे लिखना यहां पे सबसे पहले हेडिंग डालो कि उसका चार्ज लिखना, चार्ज एंड इसका मास कितना रहता है। तो सबसे पहले इसका चार्ज लिखना, इसका चार्ज का वैल्यू रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम, ये इसका चार्ज रहता है। फिर इसका मास, मास लिखना 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये वैल्यूज आपको याद करना है, ये कभी एग्जाम में देते नहीं है वो लोग, तो ये याद करना रहता है। कैमरा चालू करना है, जिनका कैमरा बंद रहेगा मीटिंग के बाहर हो गया। सर 2 मिनट चालू करता हूँ। हाँ शो शो, कोई प्रॉब्लम, बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखो प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज रहता है इसको पहले चीज को लिखते कैसे, पी प्लस के साथ लिखा जाता है। अब इसका जो चार्ज रहता है इट इज द सेम, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम। अब आप मेरे को बताओ यहां पे किसका चार्ज नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव रहेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। हेलो, बाकी सबका आवाज नहीं आ रहा है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका जो मास रहेगा, ये मास इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg। वैल्यूज याद रखना, ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह काम आएगा। थर्ड है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लिख क्या, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज है? नो सर। नो चार्ज। तो क्या रहेगा, सो कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे न्यूट्रॉन को फिर? सर एन लिख के छोड़ देने दे। बस एन लिख के छोड़ देने, इतना ही, एन लिख देने के। सर एन नहीं है। इसका कोई चार्ज रहेगा क्या, कोई चार्ज है इसको, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज रहता है क्या? न्यूट्रल तो इसका चार्ज रहेगा न्यूट्रॉन है ना। जीरो, न्यूट्रल चार्ज जीरो। इसका एंड प्रोटॉन का वजन इस वन एंड द सेम, कितना रहेगा? इसका भी वजन 1.67 × 10⁻²⁷। ये चीज आपको पूरा केमिस्ट मतलब 11th 12th में बहुत जगह के काम आएगा ये। चलो फोर्थ है, फोर्थ को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। कोई बता सकते हैं अल्फा पार्टिकल किसका बना हुआ रहता है? चाहिए अल्फा पार्टिकल, ये कहा आपने, तुम लोग ने किया है क्या इसके बारे में? 9th में किया है इसके बारे में। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम। हीलियम में कितना रहता है? दो प्रोटॉन, चार ये रहेगा इसका एटॉमिक, और ये सब सिखाएंगे हमें। ये रिप्रेजेंट करता है, इसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, चाहे तो ये लिख के रखो एटॉमिक मास। ये रिप्रेजेंट करेगा, इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं मीटिंग के बाहर निकल रहा हूँ, रीजॉइन कर लेना जिनका कैमरा बंद है। बोलो सेबिन का, ठीक है सेबिन तो बाहर है। गौरव कैमरा चालू करना,
गौरव सुनाई दे रहा होगा। अरे गौरव, सौरव नहीं, गौरव, एक गौरव करके कोई था। सेवन आप बंद किया तो भी चलेगा क्योंकि आपके इधर नेटवर्क का इश्यू है करके प्रॉब्लम है, बोला था मम्मी ने। चलो तो हीलियम में टोटल चार्ज कितना रहेगा, हीलियम में टोटल चार्ज कितना प्रोटॉन है इसमें, देखो कितना रहेगा, दो प्रोटॉन है तो इसका टोटल चार्ज कितना रहेगा, 3.2 × 10⁻¹⁹ रहेगा इसका चार्ज। क्यों? क्योंकि दो प्रोटॉन है इसमें। मास कितना रहेगा, मास यहां पे टोटल कितना है, टोटल इस चार, तो ये कितना होएगा, 4 × 1.67। तो इसका आंसर रहेगा, चेक करो कितना आ रहा है इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, सर इसका मेन टॉपिक क्या लिखना है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल पार्टिकल्स है मेन टॉपिक का नाम, मेन टॉपिक का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितना है 4 × 1.67, 6.68, तो हम लोग 6.67 लेंगे ताकि अपने को याद करने को आसान हो, सब जगह 6767 है, याद करके आसान होएगा। चलो एंड लास्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो आप बहुत जल्दी सीखोगे, दैट इज फोटोन। फोटोन क्या रहता है, कुछ आइडिया है, फोटोन कुछ सुना है, फोटोन कहाँ रहता है, पिछले साल सोलार के चैप्टर में पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी में, फोटोन रहता क्या है, लाइट, लाइट रहता है, वेरी गुड। फोटोन क्या रहता है, सनलाइट रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एच न्यू आएगा इसका फॉर्मूला, एच न्यू। क्या इसको कोई चार्ज है, नहीं। क्या इसको कोई मास है, नहीं, मासलेस एंड चार्जलेस। हाँ बोलो ना, क्या हो गया, उसे लिखने का सिंबल क्या रहेगा फोटोन का, फोटोन का सिंबल क्या रहेगा, इनटू न्यू, एच इनटू न्यू, न्यू मतलब ये फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो साइड पे भी लिखते रहते फ्रीक्वेंसी। एच को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलेंगे, ये रहता है क्या है ये हम लोग आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल तो बस लिखने का काम करो, एच इनटू न्यू। ये हो गए हम लोग के 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहां तक लिख के हो गया सबका। हाँ श्योर श्योर, लिख लो आराम से। एक बार याद भी करने का ट्राई करो ये टाइम पे, बाकी जब तो लिख दे। हुआ याद तक सबका, हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे आ रहे, जिनका बचा रहेगा बता देना, फिर पीछे के पेज में जाता। अब नेक्स्ट लिखो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर हेडिंग डालना। पहले चीज ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर रहता है क्या है, हम लोग एक एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे, तो एक एलिमेंट हम लोग लिखते हैं x, ये एलिमेंट को यूजुअली ऊपर एक नंबर लिखते हैं और उसका नीचे एक नंबर लिखते हैं, तो ऊपर का जो नंबर रहता है ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा एटॉमिक मास, एंड ये जो z है ये क्या इंडिकेट करेगा, एटॉमिक नंबर इंडिकेट करेगा, ये जो एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है करके, वो तो यहां पे टेक्सटबुक में दो एग्जांपल्स दिया, हम लोग को एग्जांपल्स करते हैं, एक सेकेंड
चलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में, सो आप इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर लिखने का ट्राई करो, 13C6, और वो सी क्या रहेगा वो जरा लिखना, 16O8 दिया है, 24Mg12, एंड यहां पे एक दिया है 56Fe26, नेक्स्ट है 88Sr, और यहां पे इट इज, ट्राई करना इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा आइडेंटिफाई करना, बहुत ही सिंपल है, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हाँ गौरव, फर्स्ट वाला क्या रहेगा जरा बताओ, फर्स्ट वाला पार्ट, सी का मतलब क्या है सर? कार्बन है। अरे रुको, कौन बात कर रहा है, गौरव बात कर रहा है क्या? गौरव का आवाज आना, गौरव है क्या मीटिंग में, पहले चेक करने दो, गौरव है क्या मीटिंग में? हाँ सर। अरे सौरभ नहीं, गौरव, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई, मैं वही सोच रहा सौरभ जैसा क्यों आवाज आ रहा है गौरव का करके, गौरव है क्या मीटिंग में? नहीं है, शाबाश, मीटिंग के बाहर। चलो सौरभ बता दो, अभी सौरभ खुद ही बता दो क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका एटॉमिक का? 12 एक्चुअली 12 रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका आइसोटोप है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर कितना है? 13। और ये क्या रहेगा, ये सी क्या रहेगा? कार्बन, कार्बन, कार्बन। चलो अब नेक्स्ट इसमें बताओ क्या रहेगा, 16 क्या रहेगा? एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा इसका? 8। एंड ये कंपाउंड क्या रहेगा, मतलब एलिमेंट क्या रहेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, परफेक्ट, ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर इज, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो क्या रहेगा? 94। एटॉमिक नंबर बोला 12। एटॉमिक मास नंबर 24। तो मैं उल्टा पूछूंगा ना, इधर तो आप देख के बोलोगे ये 24 है ये 12 है, तो मैं आपको उल्टा पूछूंगा, आपको सुनाई देना चाहिए। हाँ, एटॉमिक मास नंबर इसका कितना है? 56। वेरी गुड, एटॉमिक मास इज 56 और एटॉमिक नंबर 26। और ये क्या रहेगा? Fe आयन। नेक्स्ट Sr क्या है पहले वो बताओ, Sr क्या है पता है? स्ट्रॉन्शियम। इसका एटॉमिक मास नंबर 88। और एटॉमिक नंबर 38। आपका बेसिक तो अभी क्लियर है, अभी हम लोग इसके डेफिनेशंस करेंगे, तो पहले इधर तक लिख लेना, डेफिनेशंस हम लोग करेंगे, लिख के हुआ तो बता देना, और किसी को डाउट है तो पूछ लेना। गौरव जरा बात करो, जरा एक बार हेलो हेलो कुछ तो बोलो, हेलो हेलो हेलो। चलो कैमरा आपका बंद क्यों है सर? नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, बाहर निकल रहा हूँ। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात करते रहो, नहीं तो मेरे को लगेगा आप सो गए करके, तो आप बात करते रहो, आंसर कुछ ना कुछ बोलते रहो, नो सर, नो सर, ओके सर। चलो अब डेफिनेशन लिखना, सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन लिखो, और इस पेन को क्या हो गया, एक सेकंड, एक किसने मैसेज भेजा, वी राइट एटॉमिक नंबर, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना जरूरी नहीं है,
जस्ट याद रखना क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हमेशा क्या रिप्रेजेंट, एक सेकेंड, हाँ ऊपर वाले पार्ट को हमेशा एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे वाले पार्ट को एटॉमिक नंबर लिखते हैं, बस ये याद रखना। तो जरूरी नहीं राइट एंड लेफ्ट में ऐसा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, राइट में भी लिख सकते लेफ्ट में भी लिख सकते, बस याद रखना ऊपर मास रहता है नीचे एटॉमिक नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन लिखो, एटॉमिक नंबर इज क्या रहेगा, आपको टेंथ में सिखाया रहेगा एटॉमिक नंबर क्या बताता है, किसका नंबर बताता है एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, परफेक्ट, क्या बताता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किसमें, न्यूट्रल एटम में, ठीक है न्यूट्रल एटम, क्यों न्यूट्रल एटम ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये नॉर्मल किसमें भी रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, ये क्यों, ये जरा समझने का ट्राई करते हैं। तो सपोज व्हाट आई डू इज, मैंने यहां पे सोडियम लिया, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको पता है ऑलरेडी किया है 2.8.1, तो बताओ सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करता है, डोनेट क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ओके okay? अब जरा इधर लिखते वापस सोडियम लिखते, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 11 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक कम हो गया सर, एक कम हो गया, इसका चार्ज क्या रहेगा, अब क्या इस पे हम लोग एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन लगा सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, नहीं ना, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, लेकिन सेम कौन है, देखो चेक करो प्रोटॉन तो सेम ही है दोनों केस में, तो इसीलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो आपको क्या मेंशन करना पड़ता है, न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम का एग्जांपल है, ये पॉजिटिव चार्ज, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इनकेस डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर, बोलना अथर्व सर, फिर से एक बार रिपीट करो ना डेफिनेशन, हाँ देखो देखो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है इसको कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। दूसरा जो डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है, न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल मतलब उस पर चार्ज नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, जैसे कि अभी देखो सोडियम के केस में, सोडियम क्या हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया ना, लेकिन उसका टेंडेंसी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रहता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 11 इलेक्ट्रॉन से कितना होएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होएगा, लेकिन प्रोटॉन चेंज हुआ क्या, नहीं प्रोटॉन तो सेम ही है, अब आप चेक करो ना किसका चार्ज ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा रहेगा ना, इसके वजह से इस पे एक डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन इसके साइड में लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा मतलब आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा क्या सर, बीच बीच में रुक के आ रहा है, आप जो बोल रहे हो ना, आप कैमरा बंद करो, अमन कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करके देखो, चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को लिखते कैसे है, ए के साथ, एटॉमिक मास क्या रहता है कोई बता सकते हो, क्या एटॉमिक मास, क्या रहेगा, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पिछले बार इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनते थे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते थे, यहां पे आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, ये याद रखना, दोनों को गिनते हो,
एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, एटॉमिक मास नंबर। यहां तक क्लियर सबको? किसी को डाउट? अब लोग प्रीवियस पेज में जाएंगे, जो लोग प्रीवियस पेज था। अभी ये पेज में आप क्या करो, अभी आपको डेफिनेशन पता है तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा है कार्बन मैग्नीशियम स्ट्रॉन्शियम आयन ऑक्सीजन, इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये गिनना है। ट्राई करो, मैं एक एग्जांपल आपके लिए करता हूँ, रुक जाओ, एक एग्जांपल आपके लिए करता हूँ, जिनको समझा चालू करता हूँ। एक सेकंड पूरा इरेज करने दो। बाकी लोग ट्राई करना। देखो फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए करता हूं, चलो कार्बन दिया था, इसका नंबर इधर 13, यहां पे 6 दिया था नंबर, तो 6 का मतलब क्या है, इट इज जेड। जेड क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। परफेक्ट, फर्स्ट वाले में कोई डाउट? ये न्यूट्रल एटम है कि चार्ज्ड एटम है? चार्ज। एक जन चार्ज बोलेगा कि सब लोग उसके पीछे चार्ज बोलेंगे। अरे शीप हो क्या तुम लोग, खुद से सोचो। एक जन मैं करेगा तो सब लोग मैं करोगे क्या? सोचो खुद से, चार्ज है क्या, कोई चार्ज दिया इस पे? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब तक चार्ज नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही रहने वाले हैं, याद रखना। चलो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या था, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर है कितना, ये है 13। प्रोटॉन ढूंढ के निकाला 6 आया था, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 13 माइनस 6। चलो वैसे आप बाकी के केसेस के लिए करना। आई होप फर्स्ट एग्जांपल सबको क्रिस्टल क्लियर हो, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। अनिशा माइक ऑन करके पूछो, चैट में हार्डली देखता हो तो पूछो बिंदास, शर्माने का नहीं किसी के सामने, बोल देने का जो भी डाउट है। ट्राई करना बाकी का, अभी मैं एक एक एग्जांपल एक एक को पूछूंगा, मैं और एग्जांपल देता हूं यहां पे, एक एग्जाम्पल पर पर्सन को पूछूंगा, फिर यहां पे नेक्स्ट इज क्लोरीन 1735 एंड नेक्स्ट इज, हेलो प्रीतेश, कैमरा बंद नहीं करना है, ये ट्राई करना, ये यूरेनियम है। एंड पेज के ऊपर डेट लिखना, ताकि आपको कोई लेक्चर चेक करने का रहेगा तो आप डेट के हिसाब से चेक कर पाओगे, तो डेट लिखने मत भूलो। सर इसमें भी मास और नंबर लिखने का अलग? अरे लिख लो ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। ऐसे भी लिख लिया मैंने ऑलरेडी, लेकिन एक और बार लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो फर्स्ट शॉन बताओ, कार्बन तो हो गया, सेकेंड वाला बताओ ऑक्सीजन वाला पार्ट। हेलो शॉन आ जा रहा है? हाँ सर। हाँ चलो, ऑक्सीजन 16 और 8, तो इसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर बताओ कितना रहेगा, मास नंबर है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना रहेगा? 8। क्या क्या? 16। और एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? एटॉमिक मास नंबर 16, राइट? और एटॉमिक नंबर 8।
चलो तो ये जेड एट है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है ये एट, कितना ये है, कौन सा पार्टिकल आएगा, क्या आएगा? एट प्रोटॉन्स और एट इलेक्ट्रॉन्स। कैसे समझा एट इलेक्ट्रॉन रहेगा करके? सर क्योंकि न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है। तो शॉन आप जरा आपका कैमरा बंद कर, वीडियो बंद करके बात करो। आपका आवाज बहुत अटक रहा है। हाँ, एटॉमिक नंबर मास नंबर का फॉर्मूला क्या है? A equals to proton plus neutron. ओके, एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया कितना है? कितना दिया? 16. प्रोटॉन के बदले कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? प्रोटॉन के बदले कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 8. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा? 8 आएगा। प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिले, सब मिल गया, 8। चलो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमन। अमन बताना नेक्स्ट वाला मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम वाला, हाँ सर। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, इरेज करने दो। हाँ बोलो सर। मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12। क्या बात है, इसमें Z इज इक्वल टू 12, न्यूट्रल एटम रहने के वजह से इट इंडिकेट्स दैट इट हैज 12 प्रोटॉन्स एंड इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एटॉमिक मास नंबर इज P प्लस N, हियर इट इज 24, प्रोटॉन इज 12, अगर न्यूट्रॉन चाहिए रहेगा तो इट विल बी 12. Good, good. Now next part is for Anisha. आयन वाला बताना, जस्ट एक सेकेंड इरेज करने दो। अनिशा बोलो। 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, 26 प्रोटॉन्स, 26 न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड 30 न्यूट्रॉन। मैं न्यूट्रॉन वाला पार्ट सबको समझाता हूँ। देखो है, अभी दो केस में सब इक्वल है, इसका मतलब सब में इक्वल आएगा ऐसा नहीं है, चेंज भी होएगा। लास्ट केस में दिखाता हूँ, A इक्वल टू इट इज P प्लस N, तो 50। प्रोटॉन कितना दिया था? 56 था, 56। प्रोटॉन कितना दिया था? 26 दिया था। न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वाला श्रियान बताएगा, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्शियम। यस सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 38, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 38, एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक मास नंबर इज 88। परफेक्ट। एंड न्यूट्रॉन इज 50। वेरी गुड, इट विल बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो इट विल बी 88 माइनस 38, the number of neutrons will be 50. hope yahan tak samajh mein aaya hoga, aur abhi niche ka teen chalo first wala ye batao, atharva batao sabse pehla beryllium ka, are maine bata diya answer se, ha beryllium kya, are beryllium ke liye bata, atomic number hai 9 kya rahega sir, wo sab proton number of proton 4 aur neutron bhi 4, very good, और एटॉमिक मास नंबर 9, सॉरी इलेक्ट्रॉन 4 है, एटॉमिक नंबर इज, मास नंबर इज 9, 9 इक्वल टू क्या रहेगा, 9 इक्वल टू p प्लस n, n सब वो 4, तो p के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 सब्स्टिट्यूट, 4 4 4 प्लस n इक्वल टू कितना आएगा, 5। और इसको बोलते क्या हम लोग, बेरिलियम बोलते हैं, इसका नाम है बेरिलियम। चलो नाउ नेक्स्ट इज फॉर प्रीतेश। यू का मतलब अरे प्रीतेश आवाज नहीं आ रहा, यूरेनियम। अरे शाबाश, मैंने आपको आंसर स्टार्टिंग में बताया, ध्यान दे, यू मतलब है यूरेनियम। एटॉमिक मास
233 है, और ये क्या है एटॉमिक नंबर? 92. फिर इसके बाद इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन? 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है. फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है 233 इक्वल टू, क्या करोगे पी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 92. एन कितना आएगा? माइनस करने का 22 माइनस करने का करो ना, फिर कितना आएगा? 141. देखो वो भी आपको किसने हेल्प किया, अरे खुद से कैलकुलेट करो. एग्जाम में आपका दोस्त लोग बहुत शाने लोग रहेंगे, वो है ना क्या करेगा मालूम है, उसको सही आंसर मिलेगा वो आपको गलत आंसर दे देगा, अरे आप अरे चल आंसर पता चल गया ना चल मार्क कर देता, वैसा हो जाएगा. तो खुद से भी सोचो, दोस्त लोग बहुत शाने लोग रहते हैं, वो लोग खुद का मार्क्स बढ़ाने का सोचेंगे. चलो अब नेक्स्ट, सब लोग ने आंसर दिया. हाँ अभी कौन बचा है न्यू स्टूडेंट्स? तो हाँ यहाँ 7 बचा है, 7 पूजिता गौरव बचा, सौरभ ने दिया सर एटॉमिक नंबर 35. जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, इरेज करने दो, मैं फिर चार्ज एटम्स के साथ भी देता हूँ. चलो एक सेकंड रुको. हाँ बोलो सेवन सर एटॉमिक मास 35, एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 17. एक डिसाइड करो है एटॉमिक मास है कि एटॉमिक नंबर है? सर 35 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है. पक्का? देख वापस तू वो दो बोला, कोई एक डिसाइड. नहीं नहीं एटॉमिक नंबर है सर, एटॉमिक नंबर है. नहीं एटॉमिक मास है, देख तो फाइनली गलत ही बोला ना, ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर कितना है वो? 17. 17. चलो तो ये 17 का इंडिकेट करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सर ए इज इक्वल टू पी प्लस एन टू, सॉरी 35 इज इक्वल टू 17 प्लस एन. एन कितना रहेगा? 35 इज इक्वल टू सर एक मिनट, 35 माइनस 17 सर 18. नसीब में पहले लिखने के पहले आपने बता दिया. सर अभी हम लोग करेंगे चार्ज एटम्स, अब इतना देर तक हम लोग सब ये कर रहे थे क्या बोलते हैं न्यूट्रल एटम्स के लिए कर रहे थे, अब जरा फन को बढ़ा देते. चलो Fe2+ इधर 26 या पे 56 आप ट्राई करो. फिर इसके बाद Mg2+ चेक करना, अभी यहाँ पे एक चीज में चेंज आएगा, ध्यान देना अभी ये न्यूट्रल नहीं हुआ है. सर एक स्टेप करके बताओ ना आप. अरे मैं करके बताऊ, ठीक है चल मैं हेल्प करता हूँ, टेंशन मत. ये कितना था? नाइट्रोजन में हमेशा क्यों बोलता हूँ नाइट्रोजन, हाँ 7 और इधर. चल मैं एक आप एक मैं रैंडम एग्जांपल लेके मैं करके बताता हूँ, जैसे कि अब मैं एक सिंपल एग्जांपल खुद के लिए सिंपल एग्जांपल उठाने का. चलो तो इधर आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 23. अब यहाँ पे हम लोग कैसे मतलब अभी तो आप लोग कैसा शीप जैसा करोगे तो कैसे करोगे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, फिर आप क्या करोगे ए इक्वल टू पी प्लस एन, एन कितना आएगा 12. अब ये अगर आप शीप रहोगे तो ऐसा करोगे, अगर आप शीप नहीं रहोगे तो आप इधर देखोगे सबसे पहले चीज क्या है Na प्लस है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेस है बस, तो कितना आना चाहिए 10, इतना ही ध्यान देना बाकी सब सेम है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है. क्यों? इसका रीजन आपको बताया था, क्योंकि न्यूट्रल एटम नहीं है. क्लियर? चलो बेटा थैंक्स. अरे थैंक्स नहीं, अभी मजा देखो गलत होएगा फिर भी देखो, वो तो पक्का होने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ ना पक्का होने वाला गलत. मैं तो सर न्यूट्रॉन सेम ही रहेगा, न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अब देखो अगर आपको NaCl बनाना रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं. लेकिन आपको स्टिल बोल रहा हूँ देखो नेगेटिव में आप पक्का गलत करोगे, समझेगा ही नहीं नेगेटिव को कैसे करोगे, ऐड करोगे कि माइनस करोगे, तभी मजा आएगा. तब तक के लिए लिख लो, 3 मिनट है अपने पास, ट्राई करो पहले, फिर देखो कितना जन का गलत आता है.
Fe2+ का चलो मैंने ट्रिक बता दी, Mg2+ का भी ट्रिक बता दी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी शायद एक दो जन गलत करेंगे, टू प्लस है, मैंने तो प्लस के लिए किया है, ठीक है, सोचो, सोचेगा तो हेल्प होएगा। चलो यहां पे मैं आपको लिख के देता हूं, आप जरा चेक करो, इनकेस आपका आंसर गलत आ रहा है या फिर मेरे आंसर से मैच नहीं हो रहा है, आप मेरे को रोको और पूछो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर हियर विल बी 26 प्रोटॉन्स। अब आप जरा सोचो, दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहना चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहना चाहिए, आपके हिसाब से सोचो कितना रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 24 इलेक्ट्रॉन, तब जाके दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल भी आपने पहले जैसा निकाला, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है, बट तो अगर आपको ये आ गया तो ये भी सिंपल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल भी हाउ मच बोलो, अरे अनिशा माइक ऑन करके, हाँ 12। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। पूजिता माइक ऑन करके बोलो, चलो ये आंसर पूजिता देगी। हाँ पूजिता बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोलो, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, ग्रेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, ग्रेट। सबको लॉजिक समझा, नेगेटिव चार्ज अभी ज्यादा है, ओके, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्जेस मोर, जिसके वजह से इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन, गुड वर्क पूजिता। एंड ये क्या रहेगा न्यूट्रॉन, आप पूजिता 8 रहेगा, ग्रेट 8। अब ये कैसे आया, इट विल बी सेम फॉर्मूला, ए इज पी प्लस एन, ए इज 16, पी इज वॉट, पी विल बी 8, देयरफॉर न्यूट्रॉन क्या रहेगा। वैसे आप नाइट्रोजन के लिए ट्राई करो, जिनको नहीं समझा लो नाइट्रोजन के लिए चांस दे रहा हूं, ट्राई करो। सर हो गया, हो गया ना, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाइट्रोजन का बताने का ना सर, नाइट्रोजन है ऑफ कोर्स, कितना आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7, नंबर सुन के लो हमेशा 7 न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10, ग्रेट गुड। तो आई होप सबको ये समझा रहेगा कैसे अभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि ये भी आना चाहिए, ये मोल कंसेप्ट में ये टाइप का टॉपिक आता है, ये थोड़ा बेसिक्स आपका रहना चाहिए, दैट इज ये निकालते हो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करो, हेडिंग डालो आइसोटोप्स।